हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे तुम कल्पना करो कविता। ये क्लास सिक्स का है और देख सकते हैं जैसा कि क्लास छठा क्लास का है ये सब, और ये सब अलग अलग तरीके के पाठ पढ़ना है। तो तुम कल्पना करो, हम लोगों को भी पढ़ना है और ये क्लास छठा का, तो क्लास छठा से ही हम पढ़ते हैं। तो ये शब्दार्थ है, शब्दार्थ हम लोग पहले पढ़ लेते। जैसे नवीन मतलब नया होता है, और कुरीतियाँ मतलब खराब रीति रिवाज, दास्ता मतलब गुलाबी, रवानिया मतलब बहाव, और मेखला मतलब हो गया करधनी कमर बंद, और अश्रुधार आंसुओं की धार, और कामना मतलब इच्छा हो गया, याचना मतलब मांगना। तो ये सब वर्ड पता होना चाहिए। अब पहले इसको हम इस तरीके से इसको सॉन्ग के रूप में गाकर बताते, जो कि हमने भी यूट्यूब से ही सीखा है। तुम कल्पना करो नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो नवीन कल्पना करो, अब घिस गई समाज की तमाम नीतियाँ, अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियाँ, है दे रही चुनौतियाँ तुम्हें कुरीतियाँ, निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए, तुम कल्पना करो नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो नवीन कल्पना करो, जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से, दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से, हटती न दासता पुकार से गुहार से, इस गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की, तुम कामना करो किशोर कामना करो, तुम कामना करो किशोर कामना करो, जो तुम गए स्वदेश की जवानियाँ गई, चित्तौड़ के प्रताप की कहानियाँ गई, आजाद देश रक्त की रवानियाँ गई, अब सूर्य चंद्र से समृद्धि रिद्धि सिद्धि की, तुम याचना करो दरिद्र याचना करो, तुम याचना करो दरिद्र याचना करो, आकाश है स्वतंत्र मेखला, यह श्रृंग भी स्वतंत्र ही खरा बना ढला, है जल प्रपात काटता सदैव श्रृंखला, आनंद शोक जन्म और मृत्यु के लिए, तुम योजना करो स्वतंत्र योजना करो, तुम योजना करो स्वतंत्र योजना करो। तो ये कविता मैंने गीत के रूप में गाया, और ये गोपाल सिंह नेपाली जी के द्वारा लिखा हुआ है, और इसका अब मतलब समझते हैं। यहाँ पर इस कविता में यही कहना चाहता है कि हम लोग कल्पना करना है। कल्पना क्या करना है कि अच्छाई के बारे में कल्पना हम लोगों को करना है। अब इसको हम लोग को कहता है सारांश लिखने के लिए, चाहे किसी तरीके से वो हम यहाँ पर लिख सकते परीक्षा में। तुम कल्पना करो नवीन कल्पना करो, तो इसमें देखेंगे तो हम लोग को कल्पना मतलब सोचने के लिए कह रहे हैं, जो गोपाल सिंह नेपाली जी है वही करे सोचने के लिए हम लोगों को, और नया सोचने के लिए कुछ कह रहे हैं, तो दो लाइन का वही मतलब है। अब फिर आगे है कि अब घिस गई समाज की तमाम नीतियाँ, अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियाँ, है दे रही चुनौतियाँ तुम्हें कुरीतियाँ, निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए, तुम कल्पना करो नवीन कल्पना करो। तो यहाँ पर है, फिर यहाँ पर कह रहे हैं गोपाल सिंह नेपाली जी कि अब घिस गई समाज की तमाम नीतियाँ, अब जितना भी तमाम तरह की नीतियाँ थी हमारे भारत में वो सब घिस गई, मतलब सब समाप्त होने लगा, इसलिए अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियाँ, जो पुराने रीति रिवाज है वो भी हटते जा रही है, नीतियाँ भी खत्म होती जा रही है, और है दे रही चुनौतियाँ तुम्हें कुरीतियाँ, कुरीतियाँ मतलब जो भी बुराइयाँ हैं वे हमें चुनौती दे रही है, कि निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए, मतलब हम अपने राष्ट्र के श्रृंगार के लिए, यानी कि जो भी अच्छाई वाला गुण है वो अपने राष्ट्र में लाना है हम लोगों को, तो उसी के बारे में कल्पना करना है, हम लोग को सोच विचार करना है। तो इस लाइन का मतलब यही हो गया कि समाज में बहुत सारे बुराइयाँ फैल रही है, और मनुष्य की जो भी अतीत है वो भी अब
खत्म हो रही है। इसलिए अभी समाज में कुरीतियाँ जितना भी बुराइयाँ हैं वो हमें सब चुनौतियाँ दे रही है। इसलिए हम लोग को अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए, श्रृंगार के लिए हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। तो यही है, जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से, दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से, हटती न दास्ता पुकार से गुहार से, इस गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की, तुम काम ना करो किशोर काम ना करो, तुम काम ना करो। तो यहाँ पर है जंजीर टूटती नहीं अश्रुधार से। अगर किसी को मतलब यहाँ पर बहुत बिना बेकसूर भी चले जाते हैं मतलब जेल उल में या किसी तरीके से, जंजीर का मतलब बहुत मुसीबत होता है, मुसीबत से रिलेटेड, तो मुसीबत में चले कोई जाता है तो वो टूटती नहीं है अश्रुधार से। कितना भी वह रो ले तो वो कभी टूट नहीं सकता है। सुख दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से। अगर किसी को हम दुलार करेंगे तो उससे जो भी सुख दुख दर्द होगा वो तो भागेगा नहीं, और नहीं हटती है दास्ता पुकार से। हम किसी को पुकारेंगे कि हमें गरीब मत रहने दो, दास्ता मत होता गरीब, तो हम किसी के दास्ता गुलामी रहेंगे तो हम पुकारेंगे कि हमको गुलामी मत रखो, हमें छोड़ दो, हमें आज़ादी दे दो। तो इस तरीके के हम कितनों पुकारेंगे गुहारेंगे तभी भी हमको वो नहीं छोड़ेगा। इसलिए कवि कह रहे हैं कि इस गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की। तो ये गंगा के हमें निकट बैठ के और राष्ट्र शक्ति के लिए हम लोग कामना करना है, किशोर कामना करो, तुम कामना करो। तो ये एक बात कह रहे हैं, तो इतना अच्छे बात विचार है तो आसानी से लिख सकते हैं। जो तुम गए स्वदेश की जवानी आ गई। अगर हम लोग अगर हर चीज़ खो देंगे तो ये पूरे ख़त्म ही हो जाएगा, पूरा जवानियाँ खराब हो जाएगी अगर हम लोग छोड़ देंगे। चित्तौड़ के प्रताप की कहानियाँ गई, कहानियाँ भी चली जाएगी। इतना जो चित्तौड़ के प्रताप राजा थे उनको भी कहानी चली जाएगी, जो भी उन्होंने इतिहास रचा वो भी ख़त्म हो जाएगा। आज़ाद देश रक्त की रवानियाँ गई, आज़ाद देश रक्त की रवानियाँ गई। तो रवानियाँ का मतलब यहाँ पर मैंने देखा था बहाव, यानी कि आज़ाद देश रक्त की। जो हम लोग का देश आज़ाद हुआ है तो इसमें बहुत सारे का खूनों भी बहा है, मतलब वो बहुत का रक्त बहा है। तो अगर हम अपने अगर हम ऐसे ही चले गए मतलब कुछ भी नहीं किए तो ये पूरा जो रक्त है वो सभी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कवि कह रहे हैं अब सूर्य चंद्र से समृद्धि रिद्धि सिद्धि की, मतलब अब सूर्य से लेकर चांद से लेकर सभी को रिद्धि सिद्धि एकदम धन संपन्न और उसको सही करना है। इसलिए हम लोग याचना कर रहे हम लोग याचना करें और दरिद्र याचना करो, मतलब यहाँ पर याचना मतलब होता है इच्छा। तो हम इच्छा करेंगे, जितने भी सारे लोग हैं सभी इच्छा करना है कि तो हम लोग यही इच्छा करना है और कल्पना करना नए राष्ट्र के निर्माण के लिए। फिर आगे है कि आकाश है स्वतंत्र मेखला। तो मेखला मतलब होता है करधनी या कमरबंद। तो आकाश है स्वतंत्र और स्वतंत्र मेखला। तो हम लोग का आकाश स्वतंत्र है और ये हमारे करधनी भी स्वतंत्र है, यह श्रृंग भी स्वतंत्र है, और फिर खारा मतलब यह श्रृंग भी स्वतंत्र ही खारा बना ढला। तो ये सभी है जलप्रपात काटता सदैव श्रृंखला, आनंद शोक जन्म और मृत्यु के लिए तुम याचना करो स्वतंत्र योजना करो। वो यहाँ पर तुम योजना करो स्वतंत्र योजना करो तुम योजना करो। तो इस तरीके से यहाँ पर है आकाश स्वतंत्र है और यह जो श्रृंग है वो ऐसे ही बना ही रहे, और वो जलप्रपात हमेशा श्रृंखला को काटता है। कोई भी अगर मंजिल हो तो वो आराम से जलप्रपात उसको हटा देता है और अपना रास्ता तय कर लेता है। ऐसा ही के लिए हम लोग आनंद शोक से जन्म हो मृत्यु हो इसी के लिए हम लोग योजना करना है कि अगर जिंदा भी है तो आनंद में रहे, और हमेशा कहीं मृत्यु भी हो तो वो हमारे मर्जी से हो, मतलब इस तरीके से आनंद शोक हो, और ये ऐसा ही योजना करना है। तो इस तरीके से ये इतना ही कविता है, 10 मिनट में मैंने इस तरह के कविता को समाप्त कर लिया। सो अब अगले हम लोग क्लास में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।